सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी पुरानी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आप किसी विशेष देवी देवता से संबंधित कथा सुनना या जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की रोचक कथा, जो भगवान शिव के त्रिशूल, डमरू और नाग से संबंधित है। कहाँ से आए भोलेनाथ के पास ये सभी? भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। कहने का मतलब कि शिव के साथ ये चार चीजें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको सभी शिवालय में शिव के साथ ये चार चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो ये कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिवजी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म नाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिवजी के तीन त्रिशूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के दंत ताल का जन्म हुआ। कहते हैं डमरू ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो जाता है, फिर विशालता की ओर बढ़ता जाता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं और नाग लोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें नाग लोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।